माँ माँ आंखें खोलिए, माँ उठिए, माँ माँ अपनी आंखें खोलिए। बालवीर जिम्बोला 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गया, जिसकी वजह से उसका वार भी 10 गुना ज्यादा शक्ति से भरा था। उस वार से बालपरी को गहरा आघात पहुंचा। अब ये तभी होश में आएंगी जब जब जिम्बोला का जादू उल्टा पड़ेगा, और बालवीर जिम्बोला का जादू तब उल्टा पड़ेगा जब वो एक बार फिर से अपनी पुस्तक में कैद हो जाएगा। तो ठीक है रानी परी, अब जिम्बोला अपनी पुस्तक में वापस कैद जरूर होगा। मैं उसे कैद करूंगा, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बालवीर, उसे कैद करने से पहले उसका मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पुस्तक भी उसी के पास ही होगी। हाँ बालवीर, बालवीर जिम्बोला हमारी आंखों के सामने से मानव को उठा के ले गया, और हम ये भी नहीं जानते कि वो मानव को लेके कहाँ गया है। चिंता मत कीजिए परी, मैं मानव तक जरूर पहुंचूंगा। लेकिन बालवीर, यदि आप जिम्बोला तक पहुंच भी गए तो आप उसे हराएंगे कैसे? उसे मैं नहीं हराऊंगा विस्तार परी, उसे उसका लालच हराएगा। मैं तो बस भटकाती परी की मदद से उसे लालच दूंगा। अब तो केवल मुझे इंतजार है तो मानव के बुलाने का। मोंटू बॉस, आपको याद है ना कि बालवीर जी ने क्या कहा था? आपको अपना जादू यूज नहीं करना है, अगर आप अपना जादू यूज करोगे तो आपकी उम्र बढ़ती जाएगी। मुझे ठीक से याद है कि मुझे अपने जादू का इस्तेमाल नहीं करना है। वेरी गुड मोंटू बॉस, तो चलो इसी खुशी में मुझे किसी महंगे से रेस्टोरेंट में पिज्जा बर्गर खिलाओ। क्यों, मुझे कोई लॉटरी लगी है या कोई खजाना मिला है कि मैं तो जैसे बुक्कर पे मेरे पैसे वेस्ट करो? अरे मोंटू बॉस, क्यों जिंदगी के आखिरी दिनों में कंजूसी कर रहे हो? मोंटू बॉस, वैसे भी जीने के हैं 4 दिन बाकी है, बेकार दिन। क्या बोला? जो बोला सही बोला। अरे मोंटू बॉस, लुटा दो अपने पैसे मुझ पे पिज्जा बर्गर खिला के। नहीं तो क्या मोंटू बॉस, मैं आपको एक थप्पड़ मारूंगा और भाग जाऊंगा। वैसे भी आप बुड्ढे हो, मुझे पकड़ नहीं पाओगे। थप्पड़ मारोगे ना? लो मारो, मार 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 मार, थप्पड़ मार। चलो ना, बुढ़े आदमी पे क्या हाथ उठाना। मार मार थप्पड़ मार 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 मार। अरे मोंटू बॉस, क्या किया आपने? आपने अपना जादू क्यों यूज किया? अरे बॉस सॉरी, मैं तो मस्ती कर रहा था, सॉरी। थप्पड़ मैंने कहा, रो आप क्यों रहे हो? अरे बेवकूफ, मैं रो नहीं रहा हूँ, मुझे सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। देखा मोंटू बॉस, कहा था ना बालवीर जी ने कि जादू यूज मत करना, और करो जादू। नहीं, अभी मैं क्या करूँ, क्या करूँ? करना क्या, अब तो आपको चश्मा ही मंगवाना पड़ेगा। चश्मा? वो भी जादू से। तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं तो बस यहाँ अपने खास मकसद से आया हूँ। कौन सा मकसद? आओ दिखाता हूँ। यही तो है मेरा मकसद, तुम्हें इस खाई में फेंकने के लिए तुम्हें लेकर आया हूँ। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। मैं ऐसा ही करूंगा। बालवीर! बालवीर! बालवीर!
कौन हो तुम? मैं हूं इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर, जादूगर बड़बोला। कहीं ये बालवीर तो नहीं? ए, क्या बोला? बड़बोला? सिर्फ बड़े बड़े बोल ही बोलते हो या बड़ी बड़ी जादुए दिखाना भी जानते हो? चलो मान लिया, कुछ पल के लिए मान लिया कि तुम दुनिया के सबसे बड़े जादूगर हो, लेकिन अब से कुछ ही पल के बाद ये जादूगर जिम्बोला दुनिया का सबसे महान जादूगर बन जाएगा, क्योंकि इस बच्चे को खाई में धकेलने के बाद जादूगर जिम्बोला अमर हो जाएगा। जादूगर जिम्बोला अमर हो जाएगा। ए चल, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बच्चे का सहारा लेकर अपने आप को इस दुनिया का बड़ा जादूगर कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर दम है तो अपने जादू के बल पे कुछ करके दिखाओ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जादूगर जिम्बोला तुम्हें अभी अपनी जादुई शक्ति दिखाएगा। पहन के बुराई का चोला, आ गया जादूगर जिम्बोला। मैं अपनी जादुई ताकत से बड़े बड़े पहाड़ हिला सकता हूँ। बस अब भटकाती परी की मदद से मैं ऐसा भटकाने वाला दृश्य दिखाऊंगा कि इसे लगेगा कि मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ। अब देखो मेरा कमाल। ये तो कुछ भी नहीं। अभी और देखो मेरे जादू का कमाल। मैं मानता हूँ आप सबसे महान जादूगर हैं। मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। हम मानते हैं कि तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, पर तुम बहुत कुछ बन सकते थे अगर तुम भी हमारी तरह किसी किताब से निकलकर आए होते और उस किताब की कहानी के मुख्य पात्र तुम होते। लेकिन अरे वाह, फिर तो ये बहुत ही खुशी की बात है जादूगर बड़बोला जी। शायद आप जानती नहीं, मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह एक किताब से बाहर निकला हूँ और उस किताब की कहानी का मुख्य पात्र भी मैं ही हूँ। अच्छा, तो कहाँ है वो किताब? क्योंकि जब तक उस किताब को हम अपनी आंखों से नहीं देख लेते हमें विश्वास नहीं होगा। अभी दिखाता हूँ वो किताब जादूगर बड़बोला।
वो किताब जादूगर जिम्बोला। अब तो मैंने आपको किताब भी दे दी, अब तो आपको यकीन हो गया ना। अब मुझे जल्दी से जल्दी बिल्कुल आपने की तरह महान जादूगर बना दीजिए, फिर मैं अमर बन जाऊंगा। जरूर जरूर। हंसा, हनी, मैं तुम्हारी ये सेंट्रल एसी के बारिश में अब ज्यादा नहीं बैठ सकता। एक के बाद एक बूंदे टपक ही रही है। अरे उठे मत, उठे मत। शुभ काम होने जा रहा है मोटा भाई, उस वक्त जगह चेंज नहीं करते वरना सब कुछ अशुभ हो जाएगा, ऐसा भाभी कहती हैं। सब माया है, ये घर गाड़ी बंगला फर्नीचर सब माया है। इनफैक्ट मैं खुद भी माया हूँ, द फेमस इंटीरियर डिजाइनर फ्रॉम घाटकोपर, माया सहगल। माया जी, ये बताइए आप माया कितनी लेंगी? मतलब पैसे, पैसे कितने लेंगी? माया तो माया के बगैर काम करती ही नहीं है, लेकिन वो क्या है ना कि माया का एक उसूल है कि वो कभी इंटीरियर डेकोरेशन की फीस अपने मुंह से नहीं बताती, अब लिखकर बताती है। क्योंकि माया हमेशा ये समझती है कि ये धन दौलत मनी सब माया है। एब्सोल्युटली राइट। कमाल है। नहीं माया है। मेरा मतलब है, एक जगह माया जी कह रही है कि बिना माया के काम नहीं करती और दूसरी जगह सब कह रही है माया ही माया है। पूरा कंसेशन देने के बाद भी 20 लाख का बजट हो रहा है, 20 लाख से एक रुपए भी कम ही लूंगी, पर एट द एंड ऑफ द डे सब माया है। ये लीजिए आपका कोटेशन। ओहो, इस पर भी पानी गिर गया। दो लाख में हमारे घर का रिनोवेशन हो जाएगा। और महेश, भगवान ने हमारी सुन ली, 2 लाख में सारा काम हो जाएगा। धन धन, बाबूजी को बोल दो। बाबूजी। माया जी, ये सौदा पक्का है, हमें आपकी बताई हुई रकम मंजूर है। ठीक है, तो मैं 15 दिन में आप लोगों का पूरा घर रिनोवेट करा दूंगी। हाँ, ध्यान रखिए, घर गलियां चौबारा सब कुछ माया है। बस जिम्बोला, बहुत खेल लिया तुमने अपने बुराई का खेल, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। आदिवीर, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया बालवीर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जिम्बोला, क्योंकि अब इस किताब में से मैं वो मंत्र पढ़ूंगा जिससे तुम हमेशा हमेशा के लिए इस किताब में वापस कैद हो जाओगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कहानी के अंत में लिखा है जादूगर जिम्बोला अमर हो जाएगा, और अब वैसा ही होगा, क्योंकि जब तक तुम मुझे कैद करने का मंत्र पढ़ोगे, मैं इस बच्चे को इस खाई से नीचे ढकेल कर अमर हो जाऊंगा, जादूगर जिम्बोला अमर हो जाएगा, अब ऐसा ही होगा।
मतलब है? तुम जल्दी से भागो, इसे तो हम संभाल लेंगे। आपके आखिरी पन्ने पर एक मंत्र लिखा है, तुम्हें वो मंत्र पढ़ना है, तभी ये जिम्बोला हमेशा हमेशा के लिए इस किताब में वापस कैद हो जाएगा। जाओ जल्दी। बाबी, मुझे मंत्र तो मिल गया, पर पता नहीं ये कौन सी भाषा में लिखा है, मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है। कोशिश करो माना, तुम उसे जरूर पढ़ पाओगे। बाली! माना जल्दी पढ़ो उसे। आ...